आपने अपने जीवन में कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, यात्रा करते वक्त कई बार मुश्किलों का सामना भी किया होगा और कई बार ऐसा हुआ होगा कि पहाड़ों या टनल की यात्रा के दौरान आपका दिल रोमांच से भर गया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे रूट पर यात्रा की है जो आपको मौत से सामना कराते हुए जिंदगी से रूबरू कराएं? हो सकता है आपने अभी तक ऐसे रेलवे रूट पर सफर नहीं किया होगा जो आपके होश उड़ा दे। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। दुनिया में ऐसे रेलवे ट्रैक्स भी हैं जहां लोग यात्रा पर जाना नहीं चाहते। कहा जाता है कि इन रेलवे रूट पर यात्रा के लिए जाने वालों का कलेजा फौलाद का होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी खतरनाक यात्रा कौन करना चाहेगा, लेकिन घबराइए मत जनाब। दुनिया में इंजीनियरों की एक ऐसी जमात है जिसने अपने हुनर और विज्ञान के बूते उन मुश्किल रास्तों पर रेलवे ट्रैक की दुनिया बिछाई है जहां कुदरत ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हों। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रेलवे ट्रैक से रूबरू कराएंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक रेल रूट के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेने लास न्यूब्स, अर्जेंटीना। इसे ट्रेन ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला से गुजरने वाला ये रास्ता उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना से होता हुआ चिली की सीमा तक जाता है। 27 साल की मेहनत के बाद ये रेल रूट 1948 में बनकर तैयार हुआ। 4220 मीटर की ऊंचाई पर काम करना इंजीनियरों और कामगारों के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। जिगजैग आकार के इस रूट पर 29 पुल और 21 सुरंगें हैं जो इस यात्रा को रोमांचक बनाते हैं। कुरेंडा सीनिक रेल रोड, ऑस्ट्रेलिया। ये रेल ट्रैक ऑस्ट्रेलिया में बैरनगार्स नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। इसका निर्माण 1882 से 1891 के बीच हुआ, जो 34 किलोमीटर लंबी है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रैक के पास ही एक बड़ा वाटरफॉल भी है। जब ट्रेन इस ट्रैक से गुजरती है तो झरने का पानी ट्रेन में यात्रियों को भिगोने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ट्रैक की इस अद्भुत छटा के पीछे लोगों के दिल में डर भी रहता है, क्योंकि यहाँ से आसपास का नजारा बेहद रोमांचक होने के साथ ही खतरनाक भी होता है। इस रास्ते पर कई झरने, तीखे मोड़ और गहरी खाइयां हैं। आर्गोगेट ट्रेन रेल रोड, इंडोनेशिया। ये ट्रैक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, जो घाटियों और नदियों से होकर गुजरता है। इस ट्रैक पर सफर करने के दौरान आप ऊंचाई से नीचे फैली हरियाली का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि इसी रूट पर सन 2002 में एक हादसा भी हुआ था, जब ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑटेनिक्वा रेलवे ट्रैक, साउथ अफ्रीका। ये रेल ट्रैक साउथ अफ्रीका में स्थित है, जो ऑटेनिक्वा ट्रांसपोर्ट म्यूजियम तक का सफर कराती है। नीचे बहती हुई नदी और ऊपर दौड़ती ट्रेन कई सकरे रास्तों से होकर गुजरती है। कई बार लोगों को इस ट्रेन में सफर के दौरान डर भी लगता है। कंप्रेस एंड टोल टैक्स सीनिक रेल रोड, न्यू मैक्सिको। अमेरिका की न्यू मैक्सिको प्रांत की ये रेलवे लाइन बहुत पुरानी है, जो अमेरिका की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। ये खतरनाक ट्रैक करीब 80 किलोमीटर लंबा है, जिसका निर्माण 1880 में हुआ था। अधिक ऊंचाई होने के चलते इस रेलवे रूट पर ट्रेनों को आज भी कोयला और भाप इंजन से चलाया जाता है। ट्रैक की ऊंचाई काफी है और फ्रेम भी अलग टाइप का है। अगर यहाँ कभी कोई हादसा हुआ तो जान बचा पाना नामुमकिन है। व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट, अलास्का, अमेरिका। ये रेल ट्रैक करीब 180 किलोमीटर लंबा है, जो अमेरिका के अलास्का प्रांत में है। इस रेल रूट को 1900 में बनाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस रेल रूट ने अहम भूमिका निभाई थी। 1982 में हुए एक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन 1988 में इसे पर्यटन के लिए दोबारा खोल दिया गया। इस रेलवे रूट के एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी ओर चट्टान। इस रेल रूट पर ट्रेन के गुजरते वक्त कई पर्यटक डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस ट्रैक की खास विशेषता है कि ये बर्फीले क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जो पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। चेन्नई रामेश्वरम रूट, भारत। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि यार सब रेलवे ट्रैक विदेशों में ही है क्या, कोई हमारे देश में नहीं है।
तो खुश हो जाइए कि भारत में भी एक शानदार रेलवे ट्रैक है जो अपने आप में इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। जी हाँ, समुद्र पर बना 2.06 किलोमीटर लंबा पुल चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ता है। 1914 में बनाया गया ये पुल बीच में खुलता भी है और वहाँ से जहाज और फेरी जाते हैं। कंक्रीट की 145 पिलर पर टिके इस पुल को हमेशा समुद्री लहरों और तूफानों से खतरा बना रहता है। कई बार पानी का स्तर बढ़ने पर ये ट्रेन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इसके ऊपर ट्रेन पर सफर करना बेहद रोमांचक है। जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो, अमेरिका। ये ट्रैक अमेरिका के कोलोराडो में बनाया गया है जो दो पहाड़ों से होकर गुजरता है। इस ट्रैक की लंबाई 7.2 किलोमीटर है जो पूरा नैरोगेज पर बना है। इस रेल ट्रैक का निर्माण 1877 में किया गया। इस रूट पर 640 फुट की खड़ी चढ़ाई है। इसको दुनिया के सबसे खतरनाक रेल रूटों में गिना जाता है। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता हो, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। पुलों और तीखे मोड़ों पर ट्रेन बहुत ही धीरे और सावधानी से गुजरती है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई और उस पर फर्राटा भरती ट्रेन सबको रोमांचित करती है। डेविल्स नोज, इक्वाडोर। एंडीज पर्वतमाला में अलाउसी और सिबाम्बे के बीच 12 किलोमीटर लंबा ये रेल ट्रैक सांसें फुला देता है। 1902 में बनाया गया ये ट्रैक समुद्र तल से 9000 फुट ऊपर है, जो इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। कहा जाता है कि इसके निर्माण के दौरान सैकड़ों मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। कुछ जगहों पर तो ट्रेन अचानक 500 मीटर ऊंची खड़ी चढ़ाई में चढ़ती है और फिर तीखी ढलान पर मुड़ते हुए नीचे उतरती है। इसे डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक वाला ट्रैक भी कहा जाता है। एसो मिनामी रूट, जापान। ये रेलवे ट्रैक जापान के मिनामियासो शहर में बनाया गया है। 17.7 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक का निर्माण 1928 में किया गया था। इस रेलवे ट्रैक पर कुल 9 स्टेशन हैं। ये रेलवे रूट बहुत पुराना है जो दो पहाड़ों के बीच बनाया गया है, लेकिन समय समय पर इसकी मरम्मत की जाती है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस ट्रैक पर सफर करना भी एक शानदार रोमांच का अनुभव कराता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।